लोकेशन दिख रही है यहाँ से, और ये देखो कितना अच्छा, लिटरली कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ये देखो। और मैं आपको अब आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो गाइस फाइनली शूट वगैरह कर लिया, अब घर के लिए निकलते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस आज मैं ठंड में कर रहा हूँ थोड़ा मॉर्निंग व्लॉग। आज चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा बुआ खाल तक चलते हैं और उसके बाद आते हैं घूम के। मेरे को आपको ज़रा टू घनियाल वाली लोकेशन दिखानी है। यहाँ पे पानी निकल गया तो इस पानी को लगा लेते हैं पहले। ये ओवरफ्लो के कारण पाइप निकल जाता है इससे। और आज निकलते हैं थोड़ा मोटा व्लॉग करने के लिए। ठंडा भी बहुत है पर इससे कर में थोड़ा मोटा व्लॉगिंग हो जाएगी और अपना घूमना भी हो जाएगा सुबह सुबह। तो मैं आपको एक ऐसी लोकेशन ले जा रहा हूँ, वो वीडियो मैंने डाल रखी है रेन ब्लॉक की, उस टाइम भी इस टाइम बारिश हुई थी। और आज सुबह मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि आज बारिश नहीं है। तो ले जाते हैं आपको वहाँ और दिखाते हैं आपको वहाँ के लोकेशन दिखाते हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और तब मिलते हैं आप। फाइनली राम प्यारी रेडी हो गई, सफाई सफाई कर दी मैंने। और अब इसको थोड़ा गिरा करते हैं, स्टार्ट करते हैं राम प्यारी को। सुबह सुबह सेल्फ नहीं माना पड़ेगा गाइस क्योंकि तब ठंडी रहती है रात को ठंडी में। फाइनली माटा खाल किधर पहुंच गए और ये देखो कितनी अच्छी लोकेशन दिख रही है यहाँ पे। सुबह सुबह बहुत अच्छी, मतलब ऐसा दिखता है यहाँ से कि एकदम शाइन, जैसे सबसे पहले धूप पड़ती है ना तो उससे मतलब इतनी अच्छी किरणें दिखती है यहाँ से। ये देखो सामने पे मेरे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और मैं आपको अब आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है पर थोड़ा आगे जाके एकदम से पूरा व्यू कैचअप हो जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके और इतना अच्छा व्यू। तो गाइस देखो कितनी अच्छी लोकेशन दिख रही है यहाँ से, और ये देखो कितना अच्छा, लिटरली कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ये देखो। और गाइस फाइनली शूट वगैरह कर लिया, अब घर के लिए निकलते हैं। और ये देखो राम प्यारी भी खड़ी हो रखी है। तो निकलते हैं फिर मार्केट वगैरह जाते हैं, काम वगैरह निपटाते हैं। तो निकलते हैं हम आपसे गाइस, मिलते हैं आगे में। ओके गाइस, तो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को।